हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों को अपना हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ कि मैंने आज कैसा हेयर स्टाइल करा है, और उसके बाद जो है मैं वीडियो स्टार्ट करूंगी। पहले आप लोग मेरा लुक देखिए, ठीक है। लुक मैं पहले शेयर कर देती हूँ। ये है साड़ी और ये है मेरा आज का न्यू हेयर स्टाइल। ये देखिए, ये वाला मैंने हेयर स्टाइल कैसे किया है। और इस हेयर स्टाइल में अगर आप किसी फेस्टिवल के लिए, करवा चौथ के लिए, दिवाली के लिए ये वाला हेयर स्टाइल बनाएंगे ना, तो इनमें बस आपको जूरा जो है ना, क्या बोलते हैं, जो फ्लावर वाले ओरिजिनल फ्लावर के जो माला आती है ना, वो अगर आप लगाएंगे ना, तो ये फेस्टिवल के लिए ना बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बनकर आएगा। ये हेयर स्टाइल की वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि करवा चौथ कमिंग 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 आने ही वाला है। सो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कौन सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो मैं इतना एक्साइटेड हूँ। हाँ जी हाँ गाइस, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ ना मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लेकर आऊँ, शेयर करूँ, क्योंकि जब फेस्टिवल आता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, ओवर एक्साइटेड भी हो जाती हूँ कभी कभी। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करने आ जाएंगे, ओवर एक्टिंग की दुकान, फलाना ढमकाना, झूठी है फलाना। सो गाइस, इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए मैं अपने वीडियोस में आगे बढ़ती हूँ, और आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। वैसे टाइटल और थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं आज जो है वीडियो किस टॉपिक पे बनाने वाली हूँ। ये वीडियो मैं एक अपना कोई कलेक्शन नहीं शेयर कर रही हूँ, आप लोगों के लिए एक आइडिया शेयर कर रही हूँ कि आप लोग अगर करवा चौथ, दिवाली और भाई दूज की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मैं कुछ अपने पर्सनल डिजाइन शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप अपने किसी भी साड़ी सूट के साथ एक बहुत प्यारा सा लुक ट्राई कर सकते हैं और लुक कर सकते हैं। और जो ट्रेंडी मंगलसूत्र होते हैं, किस किस टाइप के आप मंगलसूत्र इस फेस्टिवल वेयर कर सकते हैं, वो सभी मैं अपने आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उम्मीद करूंगी कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो को शूट करने में। कल मैंने इतना मतलब रेडी सेडी होके वीडियो बनाई और इतना प्यार से आपको बोला कि हाँ मैं वीडियो लेकर आने वाली हूँ, लेकिन रात को फिर वही चीज मेरे साथ हुआ, सेम सिचुएशन। मेरी रात को फिर से हालत खराब हो गई, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ पैर की वजह से, क्योंकि घुटनों में और कमर में बहुत ज्यादा दर्द मेरे रह रहा है। और कल मैंने अटैची उठा के बेड में डाली और उसको निकाला, उसको उसमें साड़ियां भरी, उसको रखा, और उसी की वजह से मेरे कमर और पैर में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गया था। सो चलिए, बहुत सारी बातें नहीं करूंगी और कुछ इधर उधर की भी बातें मुझे नहीं करनी है। साड़ी आप लोग देख लीजिए, ये साड़ी मुझे रिसीव हुई है प्रिया दीदी की तरफ से, बहुत प्यारी साड़ी है। मैं जब से ये साड़ी मुझे रिसीव हुई है, मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी और उनको वीडियो सेंड नहीं किया था, तो फाइनली आज मैंने सोचा नहीं यार, कहीं दीदी को बुरा लग जाएगा कि मैंने उनको अभी तक वीडियो बना के नहीं दिया, तो इसीलिए मैंने जो है वीडियो आज बना दिया इस टॉपिक पे। तो आज आज की वीडियो में ना हम सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर बात करेंगे, फेस्टिवल में किस किस टाइप के हम ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं, और हमारा जो मंगलसूत्र है वो किस किस डिजाइन का होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप बहुत हैवी गोल्ड की मंगलसूत्र पहनेंगे तो ही आप एक आपका एक अच्छा सा लुक निकल कर आएगा। नहीं, मैं आज अपने वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि आप ये ट्रेंडी मंगलसूत्र भी अपने कलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर लुक ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन सेट पहना हुआ है, आप लोग देख लीजिए। ये मेरा DIY है मंगलसूत्र, जिसे मैंने ब्लैक कलर के धागे से बनाया है। तो मेरा चैनल जो है, हमेशा आप लोगों के साथ मैं अपने चैनल पे आइडियाज शेयर करती हूँ और DIY शेयर करती हूँ, फैशन एंड ब्यूटी हैक्स के बारे में भी बातें करती हूँ। तो मेरा चैनल, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपने चैनल पे ज्यादातर ब्लॉग शेयर करूंगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चीजें नहीं बन पाती, तो मैं जो है ना ब्लॉग शेयर कर देती हूँ। तो ब्लॉग में क्या होता है कि मुझे कुछ खास रिस्पांस नहीं मिलता है पब्लिक का, और मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ जब कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। मेहनत से कोई वीडियो बनाओ, उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो इंसान जो है ना कहीं डीमोटिवेट हो ही जाता है। फिलहाल मैं फुल एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बात करती हूँ मंगलसूत्र के ऊपर। तो बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, डिजाइनिंग दिखाने वाली हूँ, और आइडिया भी शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं। अगर
कोई भी आप में से कोई भी क्रिएटिव है, अगर आप लोग कहोगे कि दीदी मुझे ये मंगलसूत्र की जो लरी है वो उसे सीखना है, तो मैं जरूर इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कमेंट भी कम से कम 5-6 कमेंट होगा, 5-6 लोगों को जानना होगा कि इस लरी को मैंने कैसे डिजाइन किया है, तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज 1-2 लोगों के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज। तो ये मेरे पास एक लॉकेट है, मैं आपको अच्छे से डिटेल में दिखा देती हूँ। ये लॉकेट है मेरे पास इस तरीके का, और इसका जो मंगलसूत्र का जो चैन है इसे मैंने घर पे डिजाइन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सुंदर लगता है वेयर करने के बाद। मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दिखा देती हूँ, जैसे करवा चौथ वगैरह आ रहा है तो आप कुछ हैवी मंगलसूत्र ट्राई करना चाहते हैं, तो ये देखिए मैंने इस पैटर्न में इसको बनाया हुआ है घर पे, ये मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है और इसकी मैंने वीडियो भी बना के डाली है अगर आप लोगों को याद हो तो। तो इस तरीके की चीजें मैं खुद ज्वेलरी वगैरह डिजाइनर हूँ तो खुद क्रिएट कर लेती हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि ये डिजाइन कैसा लगा आप लोगों को। तो इस तरीके का डिजाइन अगर आप नहीं भी बना पा रहे हो तो भी इसका भी सलूशन है मेरे पास, आप लोग इस डिजाइन का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फोटो खींचिए, ये देखिए इस तरीके से बर्फी आकार का जो डिजाइन होता है ना, वो आपके लोकल मार्केट में जो ज्वेलर्स मंगलसूत्र वगैरह बनाते हैं उनसे आप इस मोती की डिजाइन बनवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप खुद ही बनाइए, वो आपसे 50 या 100 रुपए में आपको मंगलसूत्र रेडी करके दे देंगे, ठीक है। ये देखिए तो इस तरीके का मेरा कुछ डिजाइन है जिसे मैंने खुद बनाया हुआ है, और मेरा जो मोटिव था वीडियो आगे बनाने का कि मैं बहुत अच्छे अच्छे मंगलसूत्र के आप लोगों के चैन जो है ना खुद बना के शेयर करूंगी, लेकिन ये कमबख्त मारी मेरी तबीयत ऐसा हो गया है ना कि जैसा लगता है कि कोई चाहता ही नहीं कि मैं ठीक हूँ और अपने काम में कंटिन्यू करूँ। पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ, हर रात को मेरे पैर ऐसे उछलते हैं, ऐसे फुदकते हैं कि मैं उठा उठा के पैरों को पटक रही होती हूँ। लिटरली आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरा वो एक्सपीरियंस कितना गंदा होता है। सुबह की 4 बजे नींद आ रही है, कभी 5 बजे नींद आ रही है, तो सोचो आज मैं 12 बजे उठी हूँ और 12 से 2 बजते बजते मैंने अपने घर के सारे काम खत्म किए सिर्फ 2 घंटे के अंदर। कैसे मैनेज किया है मैं ही जानती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इतनी अगर लेट सोऊंगी, सुबह सोऊंगी तो नींद नहीं खुलेगा। खैर थैंक गॉड कि आज छुट्टी थी बेटे की, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हुई। हस्बैंड ने बोला कि तुम रेस्ट करो नहीं तो तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सीन हो रहा है मेरे साथ आजकल। तो इस तरीके का आप पैटर्न जो है ना बर्फी आकार का बनवा सकते हैं, बाकी डिजाइन देख लीजिए बहुत सुंदर लगता है वेयर करने के बाद में। आप यहाँ तक की आती है ये, यहाँ तक की, तो इतना लॉन्ग पैटर्न आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं, ये आप लोग चाहे तो इस तरीके की जो बड़ी मोती आती है ना, बड़ी मोती की माला अपने सुनार से जो बनाते हो आपके आसपास, उससे बनवा के रख लीजिए, बहुत काम आता है। ये देख सकते हैं ये जो बड़े वाले क्रिस्टल मोती आती है ना, और ये गोल्डन ये वाले, इसके साथ है ये जो है मैंने बनवा के रखा हुआ है, देख सकते हैं। ये जैसे कि जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा कि मैं जो है इन सभी को चेंज कर करके पहनती रहती हूँ। एक मिनट गाइज सॉरी, थोड़ा सा मैनेज करना क्योंकि मैं जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ और मेरे बीपी प्रॉब्लम है मुझे, तो मेरे को ज्यादा घबराहट हो जाएगी। तो ये बहुत टाइम पहले बनवाया था मैंने, इसका धागा वगैरह देख सकते हैं अब बहुत ज्यादा इसका धागा मतलब ऐसा ढीला ढीला सा हो रहा है, तो मैं घर पे ही इसको फिर से बना लूंगी, कोई अच्छा डिजाइन बना लूंगी। तो इस तरीके का ना आप एक माला बनवा के रख सकते हैं और आपके बहुत काम आएगा गाइस। देखिए मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के मेरे पास बहुत सारी लरियां हैं रखी हुई है, जब मेरा मन करता है मैं इसमें से उसमें इसमें से उसमें पहनती रहती हूँ, अक्सर चेंज करती रहती हूँ। तो ये आइडिया आप लोगों के लिए भी बेस्ट हो सकता है, आप लोग भी इस तरीके के आइडिया जो है ना कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा बहुत टाइम की बचत होती है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जैसे इस मंगलसूत्र को क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ चैन है और डेली पहनते हैं, अब कहीं अचानक से जाना पड़ा तो वही घिसे पिटे मंगलसूत्र पहन के जाना पड़ेगा। इससे अच्छा लॉकेट तो आपके पास है, आप इसका जो है चैन चेंज किया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, देखने वालों को भी ऐसा लगेगा कि आपने कोई नया डिजाइन बनवाया है या फिर पहन रहे हो, तो ये चीज हो सकता मतलब हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, ठीक है। इस तरह ये क्रिस्टल है गोल्डन, आप देख सकते हो बहुत आसानी से 100-150 रुपए में इस तरीके के आपके जो लोकल मार्केट में सुनार होंगे वो आपको बना के दे देंगे। और आप लोग अपने कलेक्शन में ना कुछ जो है लॉकेट वगैरह भी इंक्लूड करके रखा करिए, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा मंगलसूत्र का। कभी भी आपको कहीं जाना है, फेस्टिवल है, करवा चौथ है, कुछ भी है,
तो आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन ट्राई कर सकते हो। तो अभी जो दो डिजाइन दिखाने वाली हूँ ये भी देख लेना, इस तरीके का डिजाइन आप स्क्रीनशॉट ले लो और बनवा सकते हो। ये देख लो, ये मेरा गोल्ड है, ये वाली, ये छोटा सा लॉकेट जो है हस्बैंड ने बनवा के दिया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये वाली। पता नहीं क्यों जब मैं गोल्ड ज्वेलरी की वीडियो शेयर करती हूँ ना, लोगों के मैंने इतनी गालियाँ खाती हूँ, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जो लोग अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं वो दूसरों को गालियाँ ही दे सकते हैं, और उनके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं होता है। तो मैं तो इतना जानती हूँ कि दूसरों को देखने के बजाय, दूसरों को गालियाँ देने के बजाय खुद कुछ कर लो तो शायद इंसान कुछ बन पाए। लेकिन कुछ लेडीजें ऐसी होती हैं कि औरत होके ही औरत की दुश्मन होती हैं, एक औरत होके दूसरी औरत को देखना पसंद नहीं करती हैं। ये तो मतलब आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है, एक औरत दूसरी औरत को कभी भी अपने सामने या बढ़ता हुआ या फिर कुछ भी देख नहीं पाता है। तो औरत ही औरत के दुश्मन होते हैं। आदमियों में कम जलन होती है एक दूसरे में, जो बिजनेस को ही लेके होती होगी तो होती होगी, लेकिन औरतों में 90% से भी ज़्यादा एक दूसरे को देख के जलन वाली भावना औरतों के अंदर होती होती है, क्योंकि वो अपने सामने दूसरी औरत को देख के बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। खैर छोड़िए इस बात को, ये देखिए ये मेरे पास दो लॉकेट है। इस तरीके के जो छोटे छोटे लॉकेट होते हैं ना, वो भी आप लोग अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको लुक ट्राई करने में। अगर आप लोग मेरी तरह भी जो है अलग अलग लुक करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, अगर नहीं इंटरेस्टेड हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं करना चाहते हैं, तो अगर बहुत सारा लॉकेट नहीं खरीद पा रहे तो आप अलग अलग चेन बनवा के रख लीजिए, ताकि आपको जब चेंज करना हो तो आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो दो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। और मेरे पास मंगलसूत्र का बहुत अच्छा खासा कलेक्शन है, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी है। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन पैटर्न आप ले सकते हो, बनवा सकते हो, ये मुझे बहुत पसंद है। ये हस्बैंड ने घर में पहनने के लिए ऐसे ही दिलवा दिया था कि छोटा सा रहेगा तो तुम घर में डेली वेयर में पहन लोगी, लेकिन मैं ही हूँ ना, नहीं पहन पाती हूँ। ओके गाइस, तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मंगलसूत्र में इंटरेस्टेड नहीं है तो इस तरीके का आप लॉकेट वगैरह भी बनवा सकते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, देखिए इस तरीके का है, चैन के साथ है, ये बहुत सुंदर लगता है। और एक मैंने ये दिल वाला पहना है, और ऐसा मेरे पास और भी है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पर्सनली बोलूँ, इस तरीके का मंगलसूत्र मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जो गले में इस तरीके से आता है। मैंने अब तक न जाने कितने सारे डिज़ाइन पैटर्न मंगलसूत्र के अपने लाइफ में पहने होंगे ना, मुझे खुद को भी याद नहीं है कि मैंने न जाने कितने डिज़ाइन अब तक ट्राई कर चुकी हूँ। तो ये देखिए, इसका लुक ना कुछ इस तरीके से आता है, और बहुत सुंदर लगता है। ये पहनिए, कोई चैन पहनिए, उसके बाद लंबा सा कोई मंगलसूत्र पहनिए, बहुत अच्छा स्टाइल निकल कर आएगा, खासकर साड़ी पे बहुत अच्छा लुक निकल कर आता है। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ये वाला भी देख लीजिए, इस तरीके का मिल जाएगा आपको लोकल मार्केट में, ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी करवा चौथ के लिए मैंने एक ऐसा मंगलसूत्र डिज़ाइन करवाया है, जिसे मैं आप लोगों को के साथ शेयर करने वाली हूँ जल्दी। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, जल्दी शेयर करूँगी। अब मैं आपको ये वाली दिखाने वाली हूँ, इस तरीके का भी अगर आप चाहे तो रख सकते हैं अपने कलेक्शन में। सच्ची बताऊं, बाहर अगर आप कहीं जा रहे हो, या मतलब कि आप गोल्ड ज्वेलरी पहन के ट्रेवल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, या फिर कहीं आना जाना भी कब क्या हो जाए ना, कुछ नहीं पता होता। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कुछ कलेक्शन ऐसे होने चाहिए कि अगर कहते ना, सोने से कम नहीं खो जाए तो कोई गम नहीं, तो ऐसा सीन रखना चाहिए। तो ये देखिए, ये वाला पैटर्न आप लोग जैसे करवा चौथ वगैरह के लिए, या फिर कहीं शादी वगैरह में पहनने के लिए, इस तरीके का बहुत छोटा लॉकेट है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल मीडियम साइज में है, बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इस तरीके का लॉकेट। एंड मैं आपको साड़ी के साथ दिखाऊं तो ये बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगता है, ये देखिए वेयर करने के बाद। इसके साथ आप छोटा सा कोई भी नेक पीस अगर आप डाल रहे हैं ना उसके साथ, ये वाला जब मैं पहनती हूँ ना, तो सच में गाइस ट्रस्ट में बहुत सुंदर लगता है। तो आप लोग इस तरीके की चीज़ों के साथ ना आप जा सकते हो, आप एकदम पास से देख लो, ये देखिए। तो कुछ तो मेरे पास ऐसे हैं जिनके मैं आपको बहुत आसानी से कोड प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। इनकी जो कलर पॉलिश है सब कुछ एजिटीज रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, तो आप लोग ट्राई कर लेना। मैं इन सभी का कोड और लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना अपने अकॉर्डिंग।
और अब बात करते हैं सिंपल से लॉकेट के बारे में, जो कि इस तरीके का मैं बहुत सारे रखी हूँ अपने पास, बहुत ही ज्यादा है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है मुझे बैठ के वीडियो बनानी चाहिए, मेरी हालत खराब हो रही है। 1 मिनट गाइस, तो नहीं हो पा रहा था मेरे से मैनेज, मैं खड़े होकर वीडियो बना रही थी और मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। ओके गाइस, तो मैं इस तरीके का सिंपल, देखिए ये जो सीरियल देखा होगा ना आपने, सीरियल में ये वाला पैटर्न बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था सीरियल में, बहुत छोटू सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, एक स्टोन है और यहाँ पे ब्लैक कलर का लटकन लगा हुआ है। इस तरीके का मंगलसूत्र ना बहुत ज्यादा प्रीटी लगता है, बिल्कुल सिंपल और सोवर लुक चाहते हैं ना मंगलसूत्र के साथ, ये वाला मंगलसूत्र मुझे पर्सनली बता रही हूँ बहुत ज्यादा पसंद है, इस तरीके के छोटे छोटे मंगलसूत्र। लेकिन जो इसकी ये चैन है ना, जो लटक के आता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं चाहती हूँ कि ये जो है ना मुझे ऐसे गले से लगा हुआ मिले ऐसे, तब ये बहुत सुंदर निकल कर आएगा। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक मंगलसूत्र, ये मैंने बहुत टाइम पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो बहुत ज्यादा कमेंट आया था इस मंगलसूत्र को लेके। मैं दिखाती हूँ, तो मेरा पर्सनल फेवरेट मंगलसूत्र यही वाला है, मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद आता है, क्योंकि इसमें इतने सारे जो है छोटे छोटे चीजें लगी हुई है ना, ये गले में जाके बहुत सुंदर लगती है। इस तरीके से मैं इसको पहनी हूँ कई बार शादी फंक्शन में, आपने देखा होगा ये इस तरीके से कुछ लुक क्रिएट करता है ये मंगलसूत्र, वाकई बहुत प्यारा है। मैं अगर आपको पास से भी दिखाऊं तो देखो, ये मंगलसूत्र बहुत ज्यादा प्यारा लगता है गाइस, कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। इसमें जो छोटे छोटे ये स्टोन और ये स्टार वगैरह, ये जो हिल मतलब मूव करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ओके, तो मैंने छोटा वाला भी आपको दिखा दिया है, और अब मैं दिखाती हूँ आपको अलग टाइप से कुछ और पैटर्न डिजाइन। मैं ये सारे डिजाइन आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ ताकि करवा चौथ वगैरह पे अगर आप लोग कुछ चाहे तो फटाफट आप लोग ऑर्डर करके मंगा सके। तो इन सभी का कोड मैं आप लोगों को दे दूंगी, तो आप लोग ट्राई कर लेना। ये देखिए इसका डिजाइन पैटर्न कितना ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल सिंपल एंड सोवर। ये देखिए कुछ ऐसा, मैं ब्लैक के साथ आपको दिखाऊं तो ये देखिए कुछ ऐसा लुक आने वाला है। ये देखिए कुछ ऐसा लुक है इसका, और बहुत प्रिटी लगने वाला है गाइस, बहुत ज्यादा। तो इस तरीके का मंगलसूत्र भी आप लोग मंगा सकते हैं अपने कलेक्शन में, डिजाइनिंग आप देख लो, अच्छे से डिजाइनिंग देख लो। तो इसी से मिलता जुलता मैं एक और डिजाइन आपको दिखा रही हूँ, सब पैक कर करके रखा हुआ है। ये भी देख लीजिए, ये एक डिजाइनिंग है सेम ऐसे ही। मैंने बताया ना कि मैं बहुत सारे जो है अपने कलेक्शन में रखना पसंद करती हूँ, साइज सबके एक बराबर है लेकिन डिजाइनिंग सब में चेंज मिलेगा। ये देखिए सबके डिजाइनिंग आपको चेंज मिलेगा, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ओके, तो अब ये एक और है मेरे पास, इसके भी डिजाइन पैटर्न थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंट है, क्योंकि ये मैं ऑनलाइन ली हूँ तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका डिजाइनिंग थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, अभी मैं आपको दिखा पाऊँ तो। ये देखिए ये जो मेरा कैमरा है ना, इसको जस्टिस नहीं मतलब क्लियर नहीं कर पा रहा, क्लियर नहीं दिखा पा रहा, लेकिन ये बहुत सुंदर पैटर्न है। अब शायद आपको दिखे, देखो ये बहुत सुंदर लगता है गाइस, बहुत सुंदर। इस तरीके के मंगलसूत्र जो है ना बहुत सुंदर लगते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सा डिजाइन पैटर्न पसंद आया। और ये जैसा मैंने एक कहा गया, ये जैसा दिल है, इसमें दिल बना हुआ है, स्टोन लगे हुए हैं तीन, एक दो तीन इसमें दिल शेप में बना हुआ है। और ऐसे ही सेम देखिए, सेम टू सेम मैंने एक और मंगाया हुआ है, जो कि इसमें कपल बना हुआ है, बहुत सुंदर मंगलसूत्र है। आप लोग करवा चौथ के लिए ये कपल वाला मंगलसूत्र मंगा सकते हैं, एक लड़की एक लड़का जो कि, तो इसमें ना स्टोन है और पूरे जो मंगलसूत्र में है जड़ाऊ स्टोन लगे हुए हैं, अगर आपको अच्छे से दिखे तो। और यहाँ पे एक कपल बना हुआ है जो कि अपने गर्लफ्रेंड वाइफ को प्रपोज कर रहा है हाथ पकड़ के। तो इस तरीके का मंगलसूत्र भी आप जो है करवा चौथ के लिए ट्राई कर सकते हो। तो
तो बहुत सुंदर सुंदर मतलब अच्छा लगेगा। आप लोग अगर मंगलसूत्र में इंटरेस्टेड हो, जैसे कि मैं कलेक्शन में बहुत ज़्यादा वो करती हूँ कि मुझे ऐसा होता है कि मेरे को बहुत सारे कलेक्शन चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैं बाई कर करके रखी होती हूँ। तो ये वाला भी ट्राई कर ही सकते हो आप लोग। तो मैंने इनफैक्ट आप लोगों को सारे दिखा दिए हैं। हाँ, तो अभी भी अगर मैं बात करूँ तो अभी भी मेरे पास इतने सारे मंगलसूत्र हैं, लेकिन मैं अगर सभी दिखाने लगूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इक्का दुक्का तो मेरा पता नहीं कहाँ इधर का उधर रखा हुआ है, जो कि मुझे खुद को नहीं पता। अगर आप लोग इस गोल्ड टाइप में, जैसे गोल्ड प्लेटेड में मंगलसूत्र नहीं चाहते हो, तो इस तरीके से ना जड़ा, ये क्या बोलते हैं, जरकन वाली मंगलसूत्र को भी ट्राई कर सकते हो। ये भी मेरा बहुत पुराना मंगलसूत्र है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। आज भी ये एज इट इज है जैसा मैंने इसको खरीदा था। ये मेरे को ना जो जरकन वाले मंगलसूत्र होते हैं ना, वो बहुत पसंद आते हैं, तो इस तरीके का मंगलसूत्र ट्राई कर सकते हैं। और एक मैं आपको और दिखाऊं, बहुत सुंदर सुंदर है गाइस, मेरे पास बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर है। तो अभी फिलहाल मैं आपको इतना ही दिखाऊंगी। एक ये है मेरे पास इस टाइप में, ये भी जड़ाओ मतलब इसका पैटर्न डिजाइनिंग बहुत सुंदर है। आप चाहे तो ले सकते हैं, बनवा सकते हैं। इनमें से एक दो स्टोन जो है ना निकल गया है। और एक मैं ली हूँ ये अपने नाम का, यस नाम का, बहुत उल्टा, हाँ जी। तो आप लोग जो है ना फेस्टिवल के लिए आप अपने नाम वाला भी मंगलसूत्र ट्राई कर सकते हैं। मैंने एस वाला लिया हुआ है अपने नाम का, ये देखिए मुझे बहुत सुंदर लगता है ये वाला मंगलसूत्र भी नाम का। मतलब जब ये चला था ना तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था। ये देखिए ऐसा नाम वाला भी मंगलसूत्र आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और पता नहीं चीज़ें जो है मैं रख के भूल जाती हूँ, मेरी इधर उधर हो जाती है। एक मंगलसूत्र है मेरा जिसके साथ है ना मैं बहुत सुंदर सा ये देखिए इयररिंग्स के साथ मैंने एक मंगलसूत्र बनवाया था। इसका मंगलसूत्र पता नहीं कहाँ रख दिया है। तो ये देखिए इसका जो है कलेक्शन मैंने ऑलरेडी एक बार शेयर कर रखा है। और एक मैं और दिखाती हूँ जो कि इयररिंग्स के साथ ही आपको मिलेगा। आप लोग इयररिंग्स के साथ भी सेट ले सकते हैं। ये वाला पैटर्न देखिए, ये वाला बहुत सुंदर लगता है गाइस। ये देखिए कुछ इस टाइप का पैटर्न है, इसके साथ ये वाली इयररिंग्स है, ये देखिए। तो आप लोग इयररिंग्स के साथ भी मंगलसूत्र का सेट जो है ट्राई कर सकते हो, बहुत सुंदर लगता है, देख लीजिए। तो मेरे पास जरकन में भी ना बहुत सारे कलेक्शन है। अगर मैं जरकन भी अगर आपको दिखाऊं ना तो आप लोग कहोगे, ये देखिए एक मेरे पास ये वाली लॉकेट है जरकन का, ये भी जरकन ही है। तो मैंने आपको बताया ना, मेरे लाइफ में ऐसा कोई मंगलसूत्र नहीं है जिसे मैंने ट्राई नहीं किया होगा। मैंने हर टाइप के मंगलसूत्र जो है ट्राई किया है। तो ये देखिए एक ये डिजाइन है मेरे पास, अभी मैंने आपको कौन सा डिजाइन दिखाया था, शायद यही दिखाया था क्या। तो मंगलसूत्र तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं जितना भी दिखाऊंगी वो सब कम लगेगा। ये देखिए एक पैटर्न इस टाइप से भी है मेरे पास, ये भी बहुत प्रिटी लगता है जैसा मैंने अभी दिखाया आपको। इस तरीके का कुछ लुक आएगा। इसमें भी छोटे छोटे टेडी बियर लगे हुए हैं और छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं, जो कि बहुत सुंदर लगता है गाइस। और मैं अपने मंगलसूत्र की कलेक्शन में ना बहुत ज़्यादा लॉकेट रखना पसंद करती हूँ, इस तरीके के अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिज़ाइन के। मुझे लॉकेट रखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मिक्स एंड मैच करना या फिर इसमें से उसमें करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक मैं ये वाला भी ली हूँ जो कि इस तरीके से आता है, डबल मोती वाला जो है, ये वाला भी मैं ली हुई हूँ। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ये लॉकेट है मेरा, जब मन करता है मैं अटैच करके पहन लेती हूँ। तो बहुत सारे हैं गाइस इस तरीके से, बहुत सारा लॉकेट भी मैं रखी हुई हूँ ताकि मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं एक चीज़ में बिलीव नहीं रखती हूँ। मैं थोड़ा सा ना चेंज करके के पहनने वाली मैं हूँ। होता है ना कुछ लोगों को खाने में इंटरेस्टेड होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो पहनने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो मैं वही वाली हूँ, पहनने वाली हूँ। तो ये देखिए मेरे को खाने में इंटरेस्ट नहीं होता बिल्कुल भी। मैं मतलब चिड़ियाँ जितना दाना चुगती है ना उतना ही मेरा खान पीन है। ये देखिए एक ये वाला पैटर्न है, ये बहुत सुंदर लगता है, ये पूरा मतलब गोल्ड में बना हुआ है। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है इस तरीके के जो मंगलसूत्र होते हैं गाइस। कहाँ गिर गया,
तो ये वाला पैटर्न देख सकते हो आप लोग, ये देखिए कुछ इस टाइप का पैटर्न है, बहुत सुंदर लगता है वेयर करने के बाद। तो मैं अपने आज के कलेक्शन में कुछ भी ऐसा इंक्लूड नहीं किया है कि जिससे मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़े। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक हैक वीडियो लेकर आई हूँ, और फेस्टिवल आ रहे हैं तो आप लोग किस तरीके का मंगलसूत्र वेयर कर सकते हैं, किस तरीके का डिज़ाइन खरीद सकते हैं, बस उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है और अपना एक छोटा मोटा कलेक्शन दिखाया है आप लोगों के साथ। तो प्लीज़, खैर कोई बात नहीं गाइस, देखो जिसको जो करना होगा वो तो करेगा ही, वो उसको आप कितना भी समझा लो वो मानने वाले तो है नहीं कि वो मान जाएंगे। जिसको गालियाँ लिखनी होगी वो हर तरह से, जो बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं बच रहे, तो मैं तो मामूली सी तुच्छ हूँ जो भी है। तो चलिए अब इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप सो कि मेरा आई होप सो, मैं पता नहीं क्यों बोलती हूँ। ओके गाइस, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा। ये मैं पत्ती वाला डिज़ाइन तो आपको दिखाना ही भूल गई, इसमें से एक पत्ती गिर गई है। ये पत्ती वाला भी डिज़ाइन है मेरे पास, मतलब जो भी पैटर्न आता है ना बस बेटा रख लो खरीद के, तो वो वाला सीन है। ओके गाइस, तो मैं अब आपको कुछ ऐसे करके दिखाने वाली हूँ। एक क्या बोलते हैं, थंबनेल तो बनाना बनता है ना। तो इसको मैं अपने बाजू को ऐसे करूँगी, और प्लीज डिजाइन कैसे लगे मुझे जरूर 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 से बताना गाइस, ठीक है, पक्का बताना मुझे। और आप लोग क्या कुछ कर रहे हो मुझे बताना कमेंट में अपनी स्टोरी। और मेरे से पता है एक मिस्टेक हो गया है, मैं पता, मेरे को ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि सरादे जो है ना लगने वाली है, और मेरे को ना एक स्क्रैच पे भी काम करना था। चलो 1 मिनट। हाँ जी, तो मतलब मेरे को ना कुछ काम था, सरादे स्टार्ट हो गई, मेरे को वो चीज़ बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रही, तो चीज़ें जो है ना गड़बड़ हो गई है मेरे से, कि मेरे को वो चीज़ आखिर में पहले करनी थी, ताकि मुझे जो है ना ये 10-15 दिन का टाइमिंग मिल जाता तो मैं वो चीज़ पहले ही रेडी कर लेती। लेकिन अब जो है ना टाइम ऑलरेडी निकल चुका है, तो अब कुछ हो नहीं सकता है, अब मुझे इंतज़ार करना होगा ये सरादों का ख़त्म होने का। तो चलो गाइस, ये देखो कितना सारा मंगलसूत्र मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैंने ये वाला दो आपको दिखाना भूल गई थी, मुझे इस बॉक्स में ही ये दो और रिसीव हुए थे, तो फटाफट इसको भी मैं दिखाती हूँ और इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। तो ये देखिए, मैं मुझे कुछ इस टाइप का पैटर्न मिला था, ये देखिए बहुत सुंदर लगता है ये वाला भी, मैं इसको वेयर करने जल्दी वेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसा पैटर्न है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ लगा के कि कैसा लग रहा है। ये देखिए इस टाइप का पैटर्न है, बहुत सिंपल एंड सोवर, देख लीजिए। तो ये रह गया था मेरे से, और इसमें भी वही सेम है जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था, ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन मैंने अलग अलग ऑर्डर किया था, तो एक के साथ मुझे ये वाला सेम मिला है और ये वाला भी वही स्टोन वाला है। देखिए दोनों सेम टू सेम एक जैसा ही है ये वाले, तो इसको दिखाने का कोई मतलब तो है नहीं। सो गाइज, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, आई होप मतलब चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो आई एम रेडी वीडियो पोस्ट करने के बाद क्या होता है मेरा। बाय गाइज, लव यू, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड एंड फैमिली में, हो सकता है ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो या फिर नहीं भी, आप लोगों की मर्जी है। बाय।